गाइस वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन प्लेस ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी बस मैं सो के जा रही हूँ, अभी नहाई नहीं हूँ, सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और आज है हमारी दादी जी की 13वीं, तो बस आज सब लोग मेहमान आएंगे, तो आज तो ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पाएगा, बस थोड़ा बहुत मिलेगा तो कल या परसों ही ब्लॉग अपलोड कर दूंगी मैं बना के। तो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए अगर पसंद आता है तो वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगता है मेरी वीडियो। तो मैं अभी आई हूँ अपने नए वाले घर में, किचन में खड़ी हूँ, मैं बन रही है चाय, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। अभी चाय बन रही है, सोचा चाय पीने के बाद काम करूं बाकी का, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा, बाद में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे तो चाय पीने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी पी के फिर उसके बाद काम करके आराम से फिर मिलती हूँ आप लोगों से, नहा धो के फ्री होके चाय वाय पी के। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ और बस नहाना और साड़ी ही पहनी है, अभी श्रृंगार कोई नहीं होता है, क्योंकि जब तक 13 दिन 13वीं पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमारे यहाँ कोई श्रृंगार नहीं करता, घर की बहुएँ बिल्कुल भी श्रृंगार नहीं करती हैं, तो बिंदी भी नई नई लगाती, कोई और लगाता है तो उसकी लगी हुई बिंदी हम लोग लगा लेते हैं बस, और कोई श्रृंगार नहीं किया, ना हमने मांग भरी है ना कुछ भी नहीं किया है। तो आज रात को सब लोग करेंगे मेकअप, मेकअप नहीं मतलब जो श्रृंगार होता है वो करेंगे। तो अभी देख लीजिए हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ होता है जैसे कि 13वीं होती है तो 12 लेडीज़ होती हैं, उनको एक साथ बिठाया जाता है, जो सुहागिल होती हैं यानी कि शादीशुदा होती हैं, उनको साड़ियाँ और श्रृंगार दिया जाता है। तो साड़ियाँ थी, साड़ियों में श्रृंगार लगाना बाकी था, तो हम लोग श्रृंगार लगा रहे थे उसमें, जैसे कि इंगूर हो गया, महावर हो गया, सिंदूर हो गया, ये सब कुछ बिंदी हिंदी के पत्ते लगा रहे थे उसमें। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो सारी साड़ियों में बिंदी के पत्ते, सिंदूर और जो महावर होता है पैरों में लगाते हैं वो सब की, और तो बस वही बिछिया चांदी के नहीं थे, गोटे के बिछिया सबको दिए थे, लेकिन एक होते जो मैन उनके लिए चांदी के बिछिए थे। तो हम लोग वही सब में लगा के रख रहे थे साड़ियों में, क्योंकि अलग अलग देंगे तो बनेगा नहीं, एक साथ ही सबको साड़ियों में रख रहे थे बिछिया। वो एक साड़ी थी उसमें अच्छी बिंदी के पत्ता था और अच्छे सब महावर भी बड़ा वाला जो पैकेट था वो था, इन सब और बाकी साड़ियों में सब छोटे छोटे पैकेट थे। तो फटाफट से रख रही हूँ मैं, फिर चेक करूँगी किस में रह गए किस में नहीं रखे, तो फटाफट से रख देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक आप लोग देख लीजिए कैसे क्या हो रहा है। तो गाइस हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, वरना देखो एक साथ हम लोग कर लेते, जैसे कि 13वीं के दिन कर देंगे तो पूरी साल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वरना अगर 13वीं के दिन नहीं करेंगे तो हर महीने में एक सुहागिल करनी पड़ती है, तो कोई कहीं होता कोई कहीं होता है। तो अभी एक साथ ही सब 11 या 12 कर देते हैं एक साथ, और देख लो भाई क्या हो रहा है, फटाफट से कर रहे हैं काम क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, सुबह अभी 8 या 9 बज रहे हैं, तो रख दिए सब में, फटाफट से सारी साड़ियाँ चेक कर लेते हैं कि किस में रखे किस में नहीं रखे हैं। तो ये देख लीजिए फटाफट से कर लेती हूँ काम, और फिर मेहमान भी आना शुरू हो गए थे तो तुरंत जब ज़रूरत होती है तो तुरंत नहीं लगाना पड़ता, बस उठा के दे दो जिसको देने की ज़रूरत है, वरना किसी के पास पहुँचेगी किसी के पास रह जाएगी, तो इसके लिए। तो देख लीजिए रख दिए सबकी, तो फटाफट सब चेक करना है, बिंदी के पत्ते लगा रही हुई है मैं, और मतलब जिस हिसाब से बनना है उस हिसाब से कर रहे हैं। और तो अब हम सब लोग चेक कर रहे हैं किसी साड़ी में बाकी तो नहीं रहा है, तो फटाफट से चेक कर लेते, फिर उसके बाद भर के रख देते एक टोकरी में, जिससे कि ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी टोकरी उठाकर एक साथ ले जाएंगे, क्योंकि बाद में फिर सामान मिलता नहीं है। तो फटाफट से सब साड़ियाँ चेक कर लेते हैं,
फिर आगे का कुछ अभी दिखाया नहीं है, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से डायरेक्ट सुबह। तो अभी मॉर्निंग के टाइम हो चुका है, ये मॉर्निंग का ब्लॉग है दूसरे दिन का। तो सारे झाड़ू लगा रही हूँ मैं, पतला बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया घर में, क्योंकि कोई फंक्शन होता है तो वही जाता है। तो देख लीजिए पानी आनी सब कुछ फैला हुआ डला है। तो अब फटाफट से मैं झाड़ू लगा देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो प्लास्टिक के ग्लास बहुत ज़्यादा घर में कोने में रख देते पानी पी के सब लोग, और कोई भी खाने पीने की चीज़ भी रख देते। तो वही हम झाड़ू लगा रहे थे सुबह सुबह, तो लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। आइए गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल था हमारे दादी जी की 13वीं थी, और आज कितना कचरा हो गया है बहुत ज़्यादा। तो बस वही साफ सफाई कर रही हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। और कल हमने हमारे यहाँ रखी गुड मॉर्निंग गाइस यानी कि कल था पे हमारे दादी जी की 13वीं थी, एक चलनी से छान के रेत रख देते हैं। तो उस पर आज कितना कचरा हो गया है, किसी का जन्म मिला होता है ज़्यादा के पैर के निशान पर ही साफ सफाई कर रही हूँ, उसके बाद अभी रख दिया है। तो चलो देखूंगी, तो मैं आप लोगों को भी कल हमने इस पर क्या छपा है हमारे यहाँ रखे दादी जी को किसका जन्म मिला है, आप लोगों को भी यहाँ पे जो इंसान खत्म होता है वहाँ पे अभी कर लेती हूँ फटाफट से छान के रेख रख देते हैं। मैं ट्राइपॉड नहीं लाई हूँ अभी, इंसान को जिस भी किसी का जन्म मिला होता है तो उसके सब कुछ नहीं दिखा पाऊंगी, थोड़ा सा आप लोगों की शेयर तो अभी रख दिया है। तो चलो देखूंगी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाइस अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो लाइक कर कमेंट किया करो। आप वीडियो पे न्यू हो, पहली बार आए, पहली बार देख कर लेती हूँ फटाफट, आपसे गांव की वीडियो पसंद आते हैं। मैं ट्राइपॉड नहीं लाई हूँ अभी अपना सॉरी वीडियो को, तो इसलिए थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना गाइस, नहीं दिखा पाऊंगी थोड़ा देर में आप लोगों से करती रहूंगी। अभी नहाना बाकी है मेरा कचरा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज गाइस अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो लाइक शेयर कमेंट किया करो। पहली बार आए, पहली बार देख रहा हूँ वीडियो, अगर आपको गाँव की ज्यादा पसंद आते हैं तो कचरा हर जगह प्लास्टिक के खिलाफ वीडियो को ये सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलती मैं थोड़ी देर में आप लोगों से, देख गई प्लेट अभी नहाना बाकी है मेरा, ऐसा सब कुछ पहुंचा सब कुछ बाकी है पड़ा हुआ था, चाय वाय भी बनानी है, साफ सफाई कर रही थी, फिर साफ सफाई करने के बाद मैं पहुंचा लगा ऐसा हो रखा था। नहाना ज्यादा देख रहा हूँ कपड़े गए प्लास्टिकल में हो गए थे, आना सब पे 8 बजे से कपड़े नहीं धोए थे मैंने, कपड़े कल धो दिए गए प्लेट आज भी ऐसे सब मैंने अपने कपड़े धोए थे, मेरा पड़ा हुआ था नहीं धोए थे। तो आज बस वही साफ सफाई कर रही थी, टाइम साफ सफाई करने के बाद फिर पोछा लगाऊंगी, फिर उसके बाद नहाना बाद कपड़े भी मान के कल कपड़े धोए नहीं थे, कल मेहमान शुरू हो गए थे आना आज जाएंगे 8 बजे से तो कपड़े नहीं धोए थे मैंने, कहा कपड़े मिलकर थोड़ी देर में आज